हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी हेलो एवरीबाडी वेलकम और वेलकम बैक टू एग्जाम आयर आई सेट लॉगरी इन द बिगनिंग आई एम सॉरी दैट द अदर चैनल दैट आई हैव हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप ऑल डूइंग ग्रेट ऑल फ्योर फाइन एंड सेफ तो न्यूज़ पेपर एनालसिस से स्टार्ट करेंगे एग्जाम आयर पर आप मुझे बस इतना बता दो मैं ऑडिबल हूँ या नहीं ओके ऑडिबल 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 ऑडिबल, ऑडिबल, चलो चेक कर लेते हैं ऑडिबल है या नहीं चेक कर लेना चाहिए भैया हाय हेलो, हेलो, वैष्णवी हेलो, मेकअप आशा, हेलो, हेलो, एवरीबॉडी, माधव कौर हेलो, हेलो ठीक है अनरोत्म प्रीतम गुड इवनिंग राधिका शमीम जेवियर चलो चलो स्टार्ट करते हैं ऑडिबल एक बार लिख दो यस ऑडिबल अच्छा ठीक है लिखा हुआ है मैंने अब देखा तो स्टार्ट करेंगे तो बोरिस ये हमने कल भी मैंने आपको बता दिया था अपडेटेड न्यूज़ में कि बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के वो अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे ठीक है ना उनको रिज़ाइन करना पड़ा रिज़ाइन क्यों करना पड़ा क्या पॉलिटिकल ड्रामा हो गया तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या ड्रामा क्या हुआ वहाँ पर तो पढ़ लेते हैं पहले कुछ चीज़ें और फिर उसके बाद जो नहीं इन्होंने बताया होगा वो मैं तुम्हें तो बता दूंगी ठीक है ना ब्रिटेन कन्ज़रवेटिव पार्टी ठीक है ना तो ये कॉन्ज़रवेटिव पार्टी जो है कन्जरवेटिव पार्टी जो है इसके लीडर थे तो नंबर वन पॉइंट हमें याद रखना है इनका नाम बोरिस जॉनसन ठीक है ना बोरी से याद कर लो बोरी जॉनसन बोरिस जॉनसन इनका नाम ठीक है उसके बाद ये ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे एंड एफ ओ पी थे ठीक है ना जो पार्टी का लीडर होता है वो पी बनता है तो अब इसके अंदर पेविंग द वे फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर डजन ऑफ मिनिस्टर्स क्विट हिज गवर्नमेंट ओवर फोर्टी एट आवर्स ऑफ फ्रेंड फ्रेंजीड पोलिटिकल ड्रामा तो फ्रेंजी क्या होता है फ्रेंजी आर स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर मतलब बहुत अजीब अजीब से चीजें हो रही थी फ्रेंजी ठीक है अब यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताई देती हूँ देखो स्टोरी ये है कि क्या हुआ बोरिस जॉनसन पावर के अंदर जब थे अभी भी मतलब तो क्या हुआ सबसे पहले तो इनके अगेंस्ट कोविड इशूज़ हुए कोविड इशूज़ क्या हुए इनके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगे कि जब पूरा वर्ल्ड और इनकी खुद की कंट्री यूके लॉकडाउन में थी तो ये क्या कर रहे थे पार्टी ठिनचैक ठिनचैक कर रहे थे तो पार्टी कर रहे थे और ये पकड़े गए तब तो इनको फाइन भी भरना पड़ा तो सबसे पहले तो सब इसीलिए दुखी हो गए कि एक इतनी बड़ी कंट्री का लीडर और ये सब कुछ कर रहा है तो बहुत ही गलत बात है दूसरी बात क्या हुआ दूसरी चीज़ क्या हुई तो इसकी वजह से इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है ये चेक किया गया क्या मेजारिटी इनके साथ है तो जैसे तैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये सर्वाइव कर दे नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ये सारे कौन है एम हैं ये सारे बहुत सारे एमपी क्या होता है मेंबर पार्लियामेंट ठीक है ना मेंबर मेंबर पार्लियामेंट पार्लियामेंट है 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 अब मेंबर जितने अब जितने एक एक लीडर बनता है, एक पी बनता पीएम जो कि लीडर होता है लीडर ऑफ द पैक है ना तो उसके साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग होते हैं वो लीडर बनता है क्लास का मॉनिटर वही बनता है ना जो सबसे ज्यादा जिसके हाथ खड़े होते हैं कि हाँ इसको बना दो तो ये बढ़िया बच्चा है ठीक है वैसे ही पार्लियामेंट में जो कहते हैं हाँ ये बढ़िया लीडर है इसको बनाओ तो मेजोरिटी साथ होनी चाहिए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब हमें लग रहा है कि इसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो चेक करते हैं वोट वो टिंग करके कि क्या इसके साथ लोग हैं यानी वो हुआ उसके अंदर ही सर्वाइव्ड सर्वाइव Survive मतलब वो वहां पे बच गए बट उसके बाद क्या हुआ इनके एक ऑफिसर एक बड़े ऑफिसर के अगेंस्ट सेक्चुअल असोल्ट केस सेक्सुअल असोल्ट की एलिगेशन हैं ठीक है ना ग्रोपलिंग ठीक है सेक्सुअल असल्ट की एलिगेशन थे ठीक है ना पिंचर क्राइस्ट पिंचर के अगेंस्ट तो ये कहते कि जो मुझे पता नहीं था उनको चीफ अपॉइंट किया था डेप्टी चीफ अपॉइंट किया था ठीक है ना तो ये कहते बोरेसन कहते मुझे नहीं पता था बट उनके एक ऑफिसर ने अभी थोड़े ही दिन पहले बोला कि नहीं बोरेसन जब फॉरन मिनिस्टर थे तब उनको बताया गया था इनके बारे में उनको पता था तब भी उन्होंने क्राइस्ट पिंचर, पिंचर को अपॉइंट किया तो क्राइस पिंचर बने इस सब का रीज़न और दूसरा रीज़न हम इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो फोर्टी ईयर हाई पे मतलब चालीस साल में इतनी कभी महंगाई नहीं इन्फ्लेशन क्या होती है मेरे प्यार बच्चों अगर पिछले साल कोई जो चीज़ सौ रुपये की थी रुपीज़ हंड्रेड की थी अब वो 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 रुपीज़ हंड्रेड एंड टेन की हो गई तो जो इंक्रीज़ आया प्राइस में उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन मतलब जब रेट बढ़ते हैं तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो गई ठीक है ना अब इसको पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहे हैं ये सब यही बोल रहे हैं ठीक है ना मिस्टर जॉनसन सेड आउटसाइड टेन डाउनिंग स्ट्रीट टेन डाउनिंग स्ट्रीट के जहाँ पे ये पी का ऑफिसर है इसको अगर डाउनिंग स्ट्रीट डाउनिंग स्ट्रीट बार बार कहीं पर किया हुआ तो ये इनका ऑफिस है ठीक है ना द टाइम टेबल फॉर अ टोरी लीडरशिप अब टॉरी क्या होता है जो लोग कॉन्जर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करते हैं यूके की उनको क्या कहते हैं अ मेंबर और सपोर्टर ऑफ़ टॉरी ऑफ कन्जर्वेटिव पार्टी उसको क्या कहते हैं टॉरी ठीक है ना तो ये भी समझ में आ गया टॉरी रेस वो कहते हैं द टाइम टेबल फॉर अ टोरी लीडरशिप रेस विल बी अनाउंसड नेक्स्ट वीक तो नया लीडर आएगा ठीक है ना एंड थ्री टम्यूल ट्यस ईयर्स टोमिल्टियस मतलब इधर उधर डिसऑर्डरली ठीक है ना डिसऑर्डरली जैसे कि बॉरिसन के बाल ठीक है बहुत ही डिसऑर्डरली हमने पहले पिक्चर्स देखी थी ना तो ट्यूमिल्टियस कैसे याद करेंगे डिसऑर्डरली जैसे कि बॉरिसन के बाल ठीक है इन ऑफिस डिफाइंड बाय ब्रेग्जिट तो वो कहते हैं बहुत ही डिसऑर्डरली का उनके बालों की तरह क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ ब्रेगजिट क्या है हम बहुत बार बढ़ चुके हैं कि ई यू यूरोपियन यूनियन का पार्ट था यू अब यू के यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया ब्रेग्जिट क्या नाम दिया ब्रेग्जिट एग्जिट ब्रिटेन का एग्जिट ई से ठीक है कोविड पैंडमिक में भी ये थे नॉन स्टॉप कॉन्ट्रोवर्सी ओवर हिज रेपुटेशन ऑफ मेन्डेसिटी मेनडेसिटी मतलब झूठ बोलना अनट्रुथफुलनेस ठीक है ना मैन डेसिटी पता कैसे याद करो मैन जो मैन है वो झूठ बोलते हैं वैसे वुमेन भी बोलते हैं बट यार तुम याद करने के लिए कह लो मेन क्या करते हैं मैन जो है वो सिटी के अंदर बैठकर झूठ बोलते रहते हैं जो जो वुमेन है वो गांव में बैठी होती है उसको सच पता नहीं होता तो मैन और सिटी से याद कर लो अन ठीक है उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत ही अनट्रूथफुलनेस की रेपुटेशन थी इनकी और क्रिस पिंचर ने तो इनका सब कुछ पिंच करके वो बलून पावर का बलून ठूस कर दिया फुस कर दिया तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस पिंचर का ठीक है ये आ सकता है पेपर में और ये क्या थे डेप्टी चीफ थे ठीक है ना डेप्टी चीफ विप लास्ट वीक ओवर एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट तो सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस थी किसके अगेंस्ट क्राइस पिंचर के अगेंस्ट ठीक है अब पिंचर वाला हो गया बोरिस जॉनसन अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे ब्रिटेन के ये क्लियर है हमें अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ेंगे आज बड़ा बड़ा बोरिस जॉनसन से न्यूज पेपर थ्री मंथस आफ्टर दे मेट इन न्यू डेली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड चाइनीज फॉरन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर वैंग ही हेल्ड टॉक्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स मीट इन बाली अब देखो यहां पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रही हूं जी सेवन पर हुई जी से जी सेवन जी से जर्मनी वहां पर हुई ठीक है ये क्या मतलब वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज बहुत सारा अमीर जो देश कहते कहलाते जो कंट्रीज हैं वो इसका मेंबर बने हुए हैं ठीक है और इंडिया स्पेशल इनवाइट ही था आई स्क् ए एस स्क्वायर अब बस ये खत्म हो जाएगा प्रॉमिस आई स्क्वायर ए ए स्क्वायर क्या कोई नया बच्चा तो नहीं आया अभी आज क्लास में अगर कोई नया बच्चा है तो आई स्क्वायर एस स्क्वायर मैं बता दूंगी नहीं तो पुराने बच्चे हैं तो भाई ठीक है तुम्हें पता ही है जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर जी ट्वेंटी फ़ॉन मिनिस्टर क्या है जी ट्वेंटी फ़ॉन मिनिस्टर्स की मीट हुई है ठीक है अभी हेड्स की नहीं हुई हेड्स मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट मिलेंगे तो जी ट्वेंटी फ़ॉन मिनिस्टर की मीट कहाँ पे हो रही है बाली में हो रही है इंडोनेशिया अब मेरे प्यारे बच्चों जब पेपर आएगा तो तुम्हें पढ़ना है कि जी ट्वेंटी किस की किसकी मीट अगर तो जी ट्वेंटी अकेला है तो मतलब हेड्स वाली मीट की बात हो रही है बट अगर जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स की बात करी गई है तो तुम बाली इंडोनेशिया टिक कर कर आओगे ठीक है तो वो कह रहे गौ, गौरी संजय आए हैं तो आई स्क्वायर एस, स्क्वायर हमारे नए साथी को हम बता देंगे ठीक है सबको साथ लेके चलना है ना ए बेटा देखो जी सेवन जो थी वो जर्मनी के अंदर हुई ठीक है जी सेवन जो जर्मनी के अंदर हुई उसका इंडिया मेंबर नहीं है बट उसको स्पेशल इनविटेशन दिया था जर्मनी ने स्पेशल इनवाइटी था और स्पेशल इनवाइटी और कौन कौन से कंट्रीज़ थे एक तो आई से इंडिया आई से इंडोनेशिया ठीक है ए से अर्जेंटीना ए से अर्जेंटीना और एस से एक तो, 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 तो साउथ अफ्रीका था और एक सेनेगल था ठीक है ना ओके क्लियर लिख भी दिया ये देखो सब ने लिख दिया कमेंट्स में ठीक है तो ये है ओके okay? चलो आगे चलते हैं अब हमारी हमें क्या है यहाँ से नोट करना है कि जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हो रही है बाली में हो रही है ये हम बहुत बार लिख चुके हैं बट सबको याद रखना है ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बर्थडे अब क्या हुआ हमारे चाइना के साथ कैसे से रिलेशन चल रहे हैं थोड़े ठीक ठाक से नहीं चल रहे हैं क्योंकि पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख की साइड पर ठीक है उधर से ये कंस्ट्रक्शन करें उधर से हमने कहा कि जी जो अगले साल है ट्वेंटी में जी ट्वेंटी पर हो रही है इंडिया के अंदर हो रही है ठीक है तो हमने कहा हम में करेंगे तो पाकिस्तान कहता है ऐसे कैसे करोगे डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कर सकते तो फिर चाइना कहता हाँ नहीं कर सकते तो चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है तो इंडिया के साथ उसकी सिचुएशन होती रहती है इंडिया ने क्या किया नरेंद्र मोदी ने बर्थडे विश किया किसको दलाई लामा को दलाई लामा क्या है तिब्बत का इशू है चाइना के साथ ठीक है का तो दलाई लामा जो है वो हमारे यहां पर रहते हैं धर्मशाला में इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने उनको विश कर दिया बर्थडे तो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया ठीक है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जैसे ये ऐसा है जैसे तुम लोगों की शादी हो गई ठीक है ना अब तुम्हारा हस्बैंड जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश कर रहा है तो वाइफ जो है वो दुखी हो जाएगी ना वैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट सर्चेज एज तो ये इंपॉर्टेंट है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वीवो जो है वो चाइनीज कंपनी है मोबाइल कंपनी है ना तो उन्होंने कुछ घोटाला किया है घपला घोटाला किया है मनी uh, का कुछ किया है तो वो हम पढ़ेंगे तो ये सब कुछ इंडिया में चल रहा है दैट द टू साइड्स डिस्कस रिजॉल्विंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ ठीक है ना वो कह रहे हैं कि देखो तुम भी पीछे जाओ हम भी पीछे जाते हैं लड़ना वड़ना सब खत्म करते हैं ये बोला गया वहाँ पर ठीक है द स्टेटमेंट एडेड दैट टू मिनिस्टर्स अग्री दैट दे शुड कंटिन्यू रेगुलर कॉन्टैक्ट एंड मिलिट्री डिप्लोमेटिक मीटिंग्स एंड लुक ए टू द नेक्स्ट सिक्सटीन राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स मीटिंग ठीक है सिक्सटीन राउंड होने वाला है ये नोट कर लो ये इंपॉर्टेंट है सिक्सटीन राउंड किसका होने वाला है सीनियर कमांडर्स मीटिंग कहाँ पर होगा एट द चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट एट एन अर्ली डेट ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया है ठीक है उसके बाद आगे चलेंगे आगे यहाँ पर ये वाली तो अपडेट्स हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी पटिशन सुनेगी मतलब केस सुनेगी किसका रोहित रंजन का रोहित रंजन ने क्या किया रोहित रंजन ने डॉक टर्ड वीडियो प्ले कर दी क्या वीडियो प्ले कर दी डॉक्टर डॉक्टर्ड का मतलब क्या है मतलब वो बोल कुछ और रहे थे बुलवा कुछ और दिया है ना तो वो क्या बुलवा दिया किससे बुलवाया कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी से उनसे अपनी वीडियो में ये बुलवा दिया बोल वो कुछ और रहे थे ये बुलवा दिया कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने उदयपुर के में जो हिंदू टेलर था उसका मर्डर किया है ठीक है ना तो इसको कहते हैं डॉक्टर्ड ठीक है डिसीव करने के लिए मतलब लोगों को गलत वो दिखाने के लिए वो किया ठीक है किसने किया रोहित रंजन ने ये जी टीवी के जर्नलिस्ट हैं और अब क्या है मल्टीपल क्यूं? अब क्या है? इनके अगेंस्ट एफ आई आर फाइल हो गए हर जगह पर ठीक है और इसको कल क्या किया था छत्तीसगढ़ डिक्लेयर किया इसको छत्तीसगढ़ पुलिस ने कि हमें तो मिल नहीं रहा है भाई कहां पर गायब हो गया ये एबस्कॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है ठीक है ओके चलो अब एक और अपडेट है ये जो अल्टो न्यूज़ अल्ट न्यूज़ तो मुझे पता नहीं अल्ट से ना अल्टो कार याद आ जाती है अल्ट वो मेरी पहली कार ठीक है अल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर जो है अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर है इनको भी पकड़ा हुआ है इन्होंने किसी आ, साल में हिंदू डाइटी से रिलेटेड कुछ डाल दिया था ट्विटर पर तो इस, इसके लिए इनको भी पकड़ कर रखा हुआ है अब कह रहे हैं कि जो मानसून भी है मानसून भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ठीक है ना मानसून गेटिंग हॉटर दैन समर होते की ठीक है अब यहाँ क्या है द मानसून हैज रिस्पाइट मैं द हीट रिस्पाइट मतलब रिस्पाइट का मतलब यहां से नोट करवाऊंगी रिस्पाइट मतलब थोड़ी सी शांति मिलती है गर्मी से मानसून के टाइम पर बट इस बार तो वो भी नहीं मिली है ठीक है कल लिखवाया था मैंने रिस्पाइट का मतलब ठीक है रिस्पाइट मतलब थोड़ी शांति मिलती है फॉर सम टाइम ठीक है उसके बाद वो कहते हैं जून टू सेप्टेम्बर आर सींग राइज सेज एंड एनालिसिस बाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एंड एन्वायरमेंटल ग्रुप तो यहाँ पे ना कुछ थोड़ी सी फाइंडिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है एंड ऑल इंडिया लेवल एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द सीज़न आर जीरो पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस हायर दैन द एवरेज समर टेम्परेचर वैन कम्पेयर टू फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन एटी ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये वारा सारा पॉइंट आप नोट करोगे और ये स्टडी किसने कंडक्ट करी है ये हमें यहाँ से पता चल रहा है तो ये भी नोट करोगे थर्सडे मंडे फ्राइडे से हमें कुछ लेना देना नहीं ये नहीं नोट करना उसके बाद इंडियाज़ एवरेज टेम्परेचर हैज़ रिजन जीरो पॉइंट सिक्स टू डिग्री सेल्सियस फ्राम नाइनटीन हंड्रेड वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है गर्मी जो है वो बढ़ गई है वो कहते हैं मानसून के अंदर जो मजे आते थे ना वो इस बार नहीं आ रहे हैं सच में नहीं आ रहे हैं ठीक है तीके? चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पे ना मैंने तुम्हें रिवाइज करवाना था यहाँ पे उनके ये देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के वीके सक्सेना ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू वाले जो मेरे बच्चे हैं जिनके पेपर हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है और तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स भी करवा दूंगी बस यार एक प्रेयर करो कि हमारी ना जो दीदी हैं जो घर पर काम करती हैं वो रह जाएँ बस वो गाँव ना जाएँ इस बारी तो तुम्हारा काम बिल्कुल परफेक्ट चलेगा नहीं तो मुझे दीदी बनना पड़ेगा घर की सफाई करनी पड़ेगी नाउ कॉन्विक्ट कांट क्लेम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर अ कन्विक्ट कौन होता है बताओ जल्दी से कॉन्विक्ट अरे आज हमारी क्लास में नया बच्चा है तो कॉन्विक्ट हम समझा देते हैं इज वो बच्चा होता है कन, वो बच्चा नहीं कॉन्विक्ट वो होता है प्रूव हो गया जिसके अगेंस्ट कि इसी ने ऑफेंस कमेट व्हेन प्रूव्ड व्हेन प्रूव्ड दैट दिस इज द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ठीक है पर्सन हु हैज committed ऑफेंस ठीक है ना ये प्रूव हो गया कि हां इसी ने ऑफेंस कमिट किया अक्यूज क्या होता है अक्यूज वो जो सस्पेक्ट होता है कि अभी पता नहीं है अभी शायद इसने किया शायद नहीं पक्का नहीं है तो वो कहते हैं कि कॉन्विक्ट जो है ना वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको इस बेसिस पे नहीं मिल सकता किस बेसिस पे जेंडर के बेसिस पे कि मैं लड़की हूं मेरे को जेल में मत भेजो या मुझे कम सजा दे दो डेली हाँ, हाईकोर्ट कहते हैं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे ये किसने बोला डेली हाईकोर्ट ने तो जो टाइटल है वो नोट करेंगे और डेली हाईकोर्ट ने ऐसा बोला ये हम नोट कर लेंगे तो इसमें क्या हुआ था ये मनी जो था ना फेक मनी जो होता है वो लेकर घूम थे फ्रेक करेंसी दोनों मियाँ बीवी तो इसमें बीवी ने प्ली क्या दी कि मैं मैं तो लड़की हूँ मुझे कम सजा दो तो डेली हाईकोर्ट कहता काम तो तुमने भी अच्छे नहीं किए ठीक है ना तो फिर जेल में दोनों ही रहोगे हम जेंडर के बेस पे नहीं तुम्हारी कम कर सकते सजा ठीक है तो ये हुआ बस डेली हाईकोर्ट ने बोला ईजी पॉक्सो अप्लाइज टू मुस्लिम गर्ल्स हु अटेन प्यूबर्टी देखो यहाँ पे हर किसी को ना पॉक्सो की फुल फॉर्म बता होनी चाहिए इसीलिए न्यूज़ इंक्लूड करिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट ठीक है ना पॉक्सो एक्ट किससे डील करता है जो बच्चे 18 साल से कम की उम्र के एटी माइनर्स हैं किन क्या बोलते हैं हम इसको लॉ की लैंग्वेज में माइनर माइनर कौन होते हैं जो एटीन ईयर्स से कम की उम्र के हैं जो बच्चे होते हैं वैसे आजकल अट्ठारह साल के कम की उम्र के बच्चे बच्चे नहीं हैं बट फिर भी लॉ कहता है कि अट्ठारह साल से अगर तुम कम हो तो तुम माइनर हो तुम बच्चे हो ठीक है ना तुम्हारा जो दिमाग है वो डिसीजन लेने के अभी काम नहीं आता तो डेली ठीक है उसकी एज जो थी, एजी एटीन 16 एंड एंड हाफ ईर्यर्स की थी वो एंड उसकी किसी के साथ एंगेजमेंट हो रखी थी uh, उन्होंने सेक्स किया फिजिकल रिलेशनशिप हुआ उनका, तो कहती कि ये ये गलत है, ये रेप ही माना जाएगा। तो इसमें क्या क्या कहते के अंदर जो है, है वो कहता अठारह साल से कम की लड़की के साथ अगर कोई लड़का फिजिकल रिलेशनशिप रखता है सेक्चुअल कोई रिलेशनशिप रखता है तो उसके अंदर वो रेप ही माना जाएगा चाहे वो लड़की का कंसेंट भी हो वो कहते हैं कि एटीन ईयर्स से कम एज की जो लड़की है वो कंसेंट नहीं दे सकती उसका कंसेंट कंसेंट नहीं माना जाएगा तो इसलिए उसको रेप ही माना जाएगा ठीक है ना तो तुम समझ जाओ तो ये ये है पॉक्सो पॉक्सो का फुल फॉर्म बताना चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं म्यांमार की तो माइनामार मार के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री काउप हो रखा है क्या रखा है मिलिट्री काउप तो मिलिट्री काउप क्या होता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो लोगों ने गवर्नमेंट इन इनको बनाया था लोगों ने इनको सिलेक्ट किया था ए को फिर आया बी बी अपने साथ बड़ी सारी मिलिट्री लेके आया छोटी बड़ी इसको उठा के कहा चलो तुम निकलो मैं यहाँ पे बैठूंगा तो ये कौन है मिलिट्री के जो उनके हेड थे वो आ गए पावर के अंदर और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मतलब जो लोगों ने जिसको इलेक्ट किया था उसको केकआउट कर दिया तो इसको हम क्या कहते हैं काउप चाहे वो मिल्ट्री करे चाहे कोई और करे जब एक डेमोक्रेटिकली लोगों के जो चॉइस का जो लीडर है उसको बिठाया गया लोगों ने बिठाया उसको अगर कोई आकर फोर्स से बाहर निकाल दे तो उसको क्या कहते हैं काउप क्लियर है ये वर्ड अब माइनामार में मिलिट्री काउप हो रखा है ये हम लोगों को पता है ठीक है ना अब यहाँ तो पे क्या हुआ किलिंग ऑफ इंडियन मेन तो वहाँ पे तमिलियंस कुछ इंडियन तमिल्स हैं जो सेटल्ड हो रखे हैं माइनामार में वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे वहाँ पे सेटल हो रखे थे तो ये स्टोरी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं ठीक है द किलिंग ऑफ टू इंडियन मैन इन म्यांमार सेट टू बी द आउटकम ऑफ अ ईयर ओल्ड मिलिट्री काउप हैज़ पुट द स्पॉटलाइट ऑन द प्लाइट ऑफ द तामिल्स ऑफ मणिपुर अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो दो तमिल्स की डेथ हुई है जिनको मारा गया किल किया गया म्यानमार में वो किसके लिए कहा जा रहा है किसकी गलती कहा जा रहा है जो वहाँ पर ईयर ओल्ड मिलते मतलब अराउंड एक साल हो गया मिलिट्री काउप हुआ है वहाँ पर उसको कहा जा रहा है ठीक है ना तो वो कहते हैं हु सेटल्ड इन बॉर्डर टाउन ऑफ मोरे बिकॉज ऑफ़ अनदर काउप सिक्स डेकेड अगो तो मोरे के अंदर ये लोग सेटल्ड हैं तो आपको ये याद रखना है कि मायना मार के अंदर मोरे के अंदर इन तमिल्स जो हैं वो सेटल्ड हो रखे हैं ठीक है अब द एक्सपे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी इन द नाइनटीन सेंचुरी सो मैनी इंडियंस द बल्क ऑफ देम फ्रॉम तमिलनाडु माइग्रेट टू बुरमा इन सर्च ऑफ ग्रीनर पैसचर्स द तमिल तमिल्स ऑफ बर्मा रीनेम्ड माइनमार इन नाइनटीन एटी नाइन वर प्राइमेरिल इं टू फार्मिंग एंड ट्रेड द तमिल्स ऑफ बर्मा रीनेम्ड माइनमार इन नाइनटी तो यहाँ पे क्या था तमिल्स ऑफ बुरमा था उसके बाद रीनेम्ड माइनमार इन नाइनटीन एटी नाइन तो ये नोट कर सकते हो उसके बाद बिकेम टफ अब क्या हुआ पे जो लाइफ थी वो थोड़ी टफ हो गई कब जब नी विन ओवर थ्रू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ यू नू इन 1962 अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि मिलिट्री वहां पे काउप्स जो है मायना मायने में, में बहुत सारे काउप हो रखे हैं ठीक है तो वन ऑफ इज़ ये टू वाला कॉप तो ये भी नोट कर लो ठीक है उसके बाद क्या हुआ स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजिंग का मतलब होता है सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ले आना मतलब प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा ठीक है सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर जैसे इंडिया में था पहले लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा था ना मैं उस दिन एडिटोरियल के बारे में अब मैनी नाडू वाइल स्टेट बैक इन बुरमा तो कब जब ये पहली बार हुआ कूप काउप ठीक है तो उसके अंदर क्या हुआ उसमें उसमें सबसे पहली चीज ये हुई कि कुछ तो वापस आ गए इंडिया तमिल्स जो थे कुछ वापस आ गए बट बहुत सारे वहां पे रह गए मोस्टली इन गैंगोंग रीजन अब ये भी नोट कर लो कौन से रीजन में रहे सम अनविलिंग टू स्टे इन रिफ्यूजी कैंप्स इन तमिलनाडु तो रिफ्यूजी कैंप्स कौन से होते हैं देखिए जब एक कंट्री से वो दूसरी मतलब अपनी कंट्री से जब जब उनको किसी कारणवश मतलब किसी वजह किसी रीजन की वजह से अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़ता है एंड उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ लीगैलिटी कुछ नहीं होती जैसे यूक्रेन वाले जो लोग हैं हमने देखा था ना स्टार्टिंग में जब वॉर हुई कितने लोग पोलैंड गए कितने लोग इधर उधर जा रहे थे तो ये सब वहां पर रिफ्यूजीज बोले जाएंगे और ये लोग रिफ्यूजी क्या लेते हैं असाइलम क्या कहते हैं उसको असाइलम तो वहां पर रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे तो वो वापस चले गए तमिलनाडु सॉरी म्यानमार अब वहां पर जब वापस गए तो वहां पर मोरे जो था जो रीजन था वहां पर उनको रोक लिया गया ठीक है अ फ्यू तमिल्स हैड डाउन इन मोरे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन नाइनटीन फोर्टीज वेन थाउजेंड है इन टू इंडिया फियरिंग अ जैपनीज इन्वेशन ऑफ बर्मा तो वहाँ पे एक ये भी रीजन लिखा हुआ था ठीक है ना अब यहाँ पे क्या हुआ जब वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ तो बुरमा के अंदर वाया मायना मार वाया मणिपुर वापस गए तो वहाँ पे स्टॉप देम एट द बॉर्डर ऑफ़ मौर्य तो इसलिए ये मौर्य के अंदर सेटल हुए तो मौर्य यांगोंग रीजन जो है यहाँ पर तमिलियंस सबसे ज़्यादा सेटल हुए ये दो नाम रखोगे तो नाइनटीन में कुकी ट्राइब ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया तो वहाँ पर और भी लड़ाइयाँ हुई इनकी तो इस वाले रीजन में ये बेसिकली वहाँ पर हैं ठीक है ना तो आपको ये रीजन्स याद रखने हैं देवर रिपोर्टली थ्रैश एंड देन शॉट बाय मेंबर्स ऑफ तो यहां पे वो जो तमिल्स हैं उनकी मतलब उनको शॉट किया गया तो यू शुड रिमेंबर म्यानमार मोरे एंड यांगोंग रीजन ठीक है ये सही है अब आगे चलेंगे नाउ एक मिनट यार इसके अंदर ना हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है पहले जो आज वाला एडिटोरियल में पढ़ा रही हूँ बट इसके अंदर हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही हैं तो ये हम पढ़ लेते हैं ठीक है ना और जो बच्चों ने इंटरव्यू देना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें से देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ कौन है नितिन गडकरी सबको पता है नहीं पता तो तुम तुम्हें पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट अब ड्राफ्ट क्या होता है मतलब फाइनल नहीं है लॉ नहीं बना ड्राफ्ट है मतलब अभी इसके अंदर चेंजेस होंगी जैसे तुम अगर तुम्हें खेडे लेनी है स्कूल से ठीक है ना तो तुम लेटर लिखते हो ना उसके अंदर रीज़न जो होता है उसको तुम बार बार चेंज करते हो कि टीचर को पता ना चल जाए हमारे टाइम पे ऐसे होता था आई डोंट नो अब कैसा होता है ठीक है ना तो क्या होता था ड्राफ्ट होता था फिर हम उसको फाइनल लिखते थे अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में बिल्कुल है ना फाइनल होता था जो फाइनल से पहले वाला होता है ना उसको ड्राफ्ट बोलते हैं क्लियर है ये वाली बात अब इन्होंने क्या किया जर्नल जनरल स्टैचुचरी रूल्स अब स्टैचुचरी रूल्स मैंने तुम्हें बता दिया स्टैचू का मतलब क्या होता है कि एक पूरा उस चीज़ पर कुछ लॉ लिखा हुआ हो तो उसको पूरा कहते हैं स्टैचू तो इसके ऊपर एक पूरा स्टैचू मतलब एक्ट आ गया मतलब लॉ आ गया ठीक है नाउ नोटिफिकेशन सीकिंग कमेंट्स ऑन प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी ठीक है तो यहाँ पे ना चीजें नोट करते जाओ तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा इन तक कि ये क्या बोल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है नितिन गडकरी नंबर वन नंबर टू ये क्या लेकर आए जनरल स्ट्रेचुचरी रूल्स लेकर आए हैं किस चीज से रिलेटेड भारत न्यू कार असेसमेंट भारत मतलब इंडिया न्यू कार असेसमेंट मतलब नई कार का असेसमेंट करेंगे ये प्रोग्राम है तो इसको शॉर्ट में क्या बोला एन एन कैप भारत एन कैप ये नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है थर्ड पॉइंट इट वुड अकॉर्ड व्हीकल्स अ स्टार रेटिंग अब ये क्या करेगा ये क्या करेगा ये देगा अकाउंट मतलब वुड वेहीकल्स वुड बी गिवन अ स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन दे परफॉर्मेंस इन क्रैश टेस्ट क्या करेंगे स्टार रेटिंग देंगे कि अगर इसको बुरी तरह से ठीक है ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब एक आ, 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 ऐसी दीवार में मारा जाता है जो कि फोर्स निकाल रही है अपने में से अगर ऐसे मारा जाता है तो क्या जो अंदर बैठे लोग हैं वो बच पाते हैं या नहीं बच पाते है? अगर उनको इंजरीज आती हैं तो कितनी आती हैं ठीक है थीके? ये करेंगे दे आर इंटेंडेड अब ये क्यों लेकर आए बाई क्यों एक कार जो अच्छी भली पड़ी है उसको लेकर मारेंगे सामने क्यों मार रहे हैं इसे क्योंकि इससे क्या होगा एक्सपोर्ट वर्दीनेस बढ़ेगी मतलब इंडिया जो है वो फेमस है कि इंडिया की जो गाड़ियां हैं वो बस बाहर से थोड़ी बहुत सुंदर लिखती हैं बट जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो बहुत ही बुरी हालत होती है उनकी है ना कुछ कार्स का हमें पता है ना कुछ कार्स ऐसी होती हैं कि अगर वो कहीं पे भी बच जाएं तो कुछ नहीं होता कुछ गाड़ियाँ ऐसे थोड़ी सी लग जाए तो ऐसा लगता है बस मतलब खुली जाती हैं वो राइट तो एक्सपोर्ट वर्दिनेस पड़ेगी ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए याद रख लो बस एंड कॉम्पिटिशन और सेफ्टी पैरामीटर्स अमंग मैनुफैक्चर एज वेल एज इन स्टिल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन सेफ्टी तो इससे क्या होगा एक दो रीजन क्या है नंबर वन तो एक्सपोर्ट वर्स बढ़ेगी मतलब इंडिया की गाड़ियां भी दूसरी कंट्रीज लेने को तैयार होंगी नंबर वन नंबर टू एक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा कार वालों के अंदर कॉम्पिटिशन बनेगा अभी वो क्या कहते हैं कि देखो हमारी गाड़ी सस्ती है हमारी गाड़ी में ये फीचर है वो फीचर है और फिर उसके बाद वो क्या बोलेंगे हमारी गाड़ी सेफ भी है ठीक है ना तो ये एक चीज हो जाएगा और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो ज्यादा से अच्छे अच्छी चीजें लेकर आएंगे ठीक है थर्ड क्या भारत एंड कैप विल प्रूव टू बी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग मेकिंगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आत्मनिर्भर और ये क्या है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी आएगा थर्ड पॉइंट ये था तो तीन पॉइंट हमें याद रखें नंबर वन क्या होगा एक्सपोर्ट वर्दिनेस बढ़ेगी अगर हमारी गाड़ियां सेफ बनती हैं नंबर टू कॉम्पिटिशन बढ़ेगा आपस में मैन्य कार मैनुफैक्चरर्स का और थर्ड क्या होगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेफ्टी को रिलेटेड ठीक है इंडिया इज द नंबर वन ऑटोमोबाइल ठीक है वॉट इज अ प पर्पज ऑफ एन कैप एन कैप की फुल फॉर्म नई कार की असेसमेंट तो न्यू कैप न्यू कार असेेसमेंट प्रोग्राम एन कैप्स ठीक है ना प्रोवाइड ग्लोबली रिलायबल इन्फॉमेसन अब क्या है इनका ग्लोबल एनकेप भी होता है क्या होता है ग्लोबल एन कैप मतलब ग्लोबल कुछ रूल्स हैं कार असेसमेंट प्रोग्राम को लेकर ठीक है ना प्रोवाइड ग्लोबल रिलायबिलिटी इन्फॉमेसन अबाउट द कार क्रैश सेफ्टी ऑफ वहीकल बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स तो ये ग्लोबल जो रूल्स हैं एन कैप के वो ग्लोबली बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कार सेफ्टी में दिस देन हैव्स वहीकल्स एक्वायर अ फुट होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट आर सेपरेट फ्रॉम कंट्री स्पेसिफिक कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि आज तक इंडिया में कभी नहीं लगाए गए थे कार सेफ्टी को रिलेटेड रे, यहां पे हमेशा अफोर्डेबिलिटी एक पार्ट होता था कार सेफ्टी को कभी भी एक पार्ट नहीं बनाया गया था हाउ एवर अ जीरो रेटिंग इन एन कैप नॉट प्रिवेंट अ कार फ्रॉम बींग सोल्ड इन एनी जोग्राफी तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार बिल्कुल जीरो सेफ्टी वाली है वो किसी भी जगह पर नहीं बिक सकती बट वहाँ के लोगों को अवेयरनेस है और इंडिया के अंदर क्योंकि इस चीज के बारे में बात नहीं होती तो लोग बात नहीं करते वैसे आई थिंक अब लोगों बात करनी स्टार्ट कर दी थी बिकॉज इवन आई वो प्लानिंग या मेरी फैमिली में जब भी किसी ने गाड़ी ली है तो दे ऑलवेज वेंट फॉर अ कार जो उनको लगता था कि स्ट्रॉग है ठीक है ना तो इसको क्या बोलते हैं ग्लोबल एन कैप यहाँ पे हम नोट करेंगे ग्लोबल एन कैप क्या स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश मतलब स्टैंडर्ड मतलब उनके सेट रूल्स हैं

और पैरामीटर्स क्या है मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन ए ओ पी क्या रखा जाएगा एडल्ट ऑक्यूमेंट प्रोटेक्शन चाइल्ड ऑक्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज ये हर किसी को नोट करने की जरूरत है बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक श्योर यू यू कैन नोट इट डाउन ठीक है पर कर ही लो यानी इसकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए उसके बाद इट वुड स्टडी फ्रंटल इम्पैक्ट साइड इम्पैक्ट में फ्रंटल मतलब फ्रंट में अगर बचती है साइड से बचती है ये वाला सब वहाँ पर देखा जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पे स्पीड डिफाइन करी हुई है पॉसिबिलिटी ऑफ डोर ओपनिंग ठीक है ना ठीक है डोर ओपन होता है अगर गाड़ी बिल्कुल प्रेशर से बजती है तो ऐसा तो नहीं डोर खुलेगा और सब बाहर आ जाएंगे तो पोटेंशियल इंपैक्ट स्टडी विद द हेल्प ऑफ डमीज तो क्या करते हैं गाड़ी के अंदर ना डमी बिठाते हैं ठीक है ना डमी बिठाते हैं हमने फोटोज देखी थी गाड़ी के अंदर डमीज बिठाते हैं प्री स्पेसिफाइड मेजरमेंट्स में प्लेस करते हैं और फिर जब गाड़ी को क्रैश करते हैं इंटू एन इंटू एन एलुमिनियम डिफॉर्मेबल बैरियर इम्पर्सोनेटिंग एंड अपोजिंग फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड मतलब अगर आ, आ, आमने सामने से गाड़ी हिट होती है एक्चुअल में तो वो वाला एक सिचुएशन क्रिएट करा जाता है जिसके अंदर कार के अंदर डमी बिठाई जाती है मतलब एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बिठाया जाता है और फिर गाड़ी को स्पीड से इस एल्यूमिनियम वॉल बैरियर के अंदर मारा जाता है जो कि वो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है एंड क्रैश लाइक सिचुएशन बनाते हैं ठीक uh, uh, है भारत एन कैप वुड कंडक्ट इट्स फ्रंटरल फ्रंटरल ऑफसेट क्रैश सेटिंग एट सिक्सटी फोर किलोमीटर पर आर ये इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ प्रिवेलिंग फिफ्टी सिक्स किलोमीटर पर आर नॉम तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करेंगे ठीक है ना तो कोलिजनस के बाद ये चेक किया जाता है उसके बाद यहाँ पर इवन दो द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन अडेयर टू यूनाइटेड नेशंस रेगुलेशन 94 फोर फॉर कॉलेजन टेस्टिंग तो ये नोट कर लो कि यूनाइटेड नेशंस की भी रेगुलेशन हैं ठीक है ना तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद उसको डमी को चेक किया जाता है कि उसको कितनी ज़्यादा इंजरीज आई कहाँ कहाँ पर आई तो उस हिसाब से दिखाया देखा जाता है कि कितना सेफ वो गाड़ी है या नहीं है ठीक है उसके बाद यहां पर अंदर आ, और क्या है अब व्हाट व्हाट डज इट होल्ड फॉर डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो कहते हैं सबसे पहले तो रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे ठीक है एक तो ये है दूसरा वो कह रहे हैं द प्रोपोज मूव फॉलो क्यों लेकर आए हैं जीरो टॉलरेंस क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी क्या कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट्स ठीक है ना जीरो टॉलरेंस है तो इंपॉर्टेंट है और उन्होंने क्या कहा फेब्रुरी इस साल में ट्वेंटी में ही हैड सेड एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स बाई फिफ्टी बाय द ईयर ट्वेंटी ये सारा ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ठीक है अब ये कह रहे हैं प्रिपेयर फॉर इंक्रीज इन वहीकल प्राइस वो कहते हैं कि अगर अच्छा अच्छा वो बनेगा तो बहुत अच्छा, मतलब ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे वो कहते हैं जो इंडियन ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफेक्चर हैं वो इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी थे बट जो एम मतलब जो बाहर की कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर जान पूछ कर ऐसा नहीं करना चाहती थी ये बोला है ठीक है ग्रेडिंग सिस्टम ही दैट ग्रेडिंग सिस्टम भी मेड मैंडेट्री फॉर ऑल ओ ई सो दैट द चॉइस इज इंटायर लेफ्ट टू द कस्टमर तो वो क्या कहते हैं कि मैंनेट्री बनाना चाहिए इसको ठीक है बट अभी क्या है चॉइस है अभी अभी वॉल्ट्री है सिंस एनी वहीकल दैट इज एक्सपोर्टेड वो ये तो ठीक है इफ़ द भारत भारत एन कैप इज इंप्लीमेंटेड डोमेस्टिक टेस्टिंग एजेंसीज वुड कंडक्ट टेस्टिंग ऑफ एम वन कैटेगरी वहीकल्स अब तुम्हें तो पता होना चाहिए एम वन कैटेगरी वहीकल्स क्या है जिसके अंदर एट सीट्स होती हैं ठीक है नॉट मोर देन एट सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट ठीक है ना एट सीट्स नहीं होती इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट उसके बाद एंड वेइंग लेस दैन थ्री पॉइंट फाइव जीरो टन ये होती है एन वन कैटेगरी के वहीकल्स इंपोर्टेड और डोमेस्टिकली मैनुफैक्चर्ड वो कहते हैं इंडिया में टेस्टिंग होगी इसकी एन वन कैटेगरी वहीकल्स की और अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता है कब से एप्लीकेबल होगा फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना हमारे आई थिंक फाइव टू सिक्स पॉइंटर्स बने और इसी के साथ मतलब सही एन कैब तो तुम्हारा रट जाना चाहिए पेपर में अगर आता है तो तुम अच्छे सॉल्व करके आना अब हमने कर पड़ा था स्पाइस जेट को किसने नोटिस इशू कर दिए डी ने डी क्या है ये सब ये करता धरता है एविएशन का एयरलाइंस का करता धरता कौन है हमारे यहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एविएशन मतलब एयरलाइन से रिलेटेड ठीक है, है ना तो इसके अंदर क्या है ऑन वेनजे सर्व एविएशन का मतलब हमेशा एयर या उससे होते है जैसे एवियंस जो होते हैं वो बर्ड्स board, रिलेटेड कहा जाता है ठीक है ना सर्व द शो शोकॉस नोटिस ऑन स्पाइस जेट फॉलोइंग एटलीस्ट एट मिड एयर इंसिडेंट्स तो स्पाइस जेट में क्या हुआ एट मिड एयर इंसिडेंट्स हुए कभी इनका इंजन बंद हो गया कभी इनकी एक डोइनी लगी हुई थी बहुत सारी चीज़ें थी ठीक है तो क्या हुआ इन्होंने बोला कि पुअर इंटरनल सेफ्टी है है तो हम नोटिस इशू किया तुम बता सकते हो इनके चेयरमैन कौन है कल मैंने बात करी थी ठीक है तो अब इसके अंदर बताया हाउ आर इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स क्लासीफाइड तो वो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रूल्स हैं हमारे यहाँ पर ट्वेंटी के नोट करना चाहते कर हो कर सकते हो ठीक है वैसे इतनी एयरलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आते नहीं है बट फिर भी सेफ साइड करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है इसके अंदर वो कहते हैं एक तो एक्सीडेंट्स होते हैं जो सीरियस अब एक होता है एक्सीडेंट एक होता है सीरियस इंसिडेंट और एक होता है इंसिडेंट एक्सीडेंट क्या होता है जिसके अंदर पैसेंजर जो है वो इंजर हो गए सीरियसली इंजर्ड पसेंजर्स हो गए ठीक है ना और इंसिडेंट्स को ये मानते हैं मे बी हावर नॉट ऑल फिजिकल डैमेज को भी ये मानते हैं एक्सीडेंट ठीक है बट सब टाइप के नहीं जैसे थो थोड़े बहुत हैं ब्रेक्स और ये सब चीज़ें हो गई हैं तो ये कहते हैं टू द एयरक्राफ्ट आई कंसिडर एक्सीडेंट सच एज वन ओनली वन ऑफ द टू इंजनस फेल मतलब एक चल रहा है एक बंद हो गया तो ऐसी ऐसी सिचुएशन अ सीरियस इंसीडेंट मीनस एन अकोरेंस वे देर इज हाई प्रॉबीबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट एंड इंसीडेंट इज़ वन ऑफ विच वुड अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन ठीक है ये नोट करने की जरूरत नहीं आज इसके अंदर इतना नहीं है बस रूल्स कौन से हैं वही नोट कर लो ठीक है उसके बाद क्या है अब यहाँ पे द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 भी है एम्पावर द डीजीसीए क्या कर सकते हैं डीजीसीए जो करता धरता है वो क्या कर सकते हैं फाइन इम्पोज कर सकते हैं वन करोड़ का इनका लाइसेंस होता है ये नोट कर लो एयरलाइज एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट ए जो होता है वो कैंसिल कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं द वर्ड इज़ सस्पेंड नॉट कैंसिल तो सस्पेंड कर सकती है डी जी ठीक है ये सब कुछ है अब जो है देवर सिग्नल्स फ्रॉम डी जी सी अब क्या है डी जी सी ए ने ट्वेंटी ट्वेल्व के अंदर किंग फिशर भी देख लिया था जो विजय माल्या की एयरलाइंस थी और जेट एयरवेज में क्या देख लिया था फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर इशूज़ थे बट स्टेप्स नहीं लिए इसलिए फिर बाद में वो क्या हुआ बंद हो गई आई थिंक किंग फिशर ही स्पाइस जेट बनी थी ना मुझे याद नहीं है जेट एयरवेज तो दोबारा स्टार्ट हो रही है बहुत ही अच्छी एयरलाइंस थी बट अब मेरी फेवरेट विस्तार है बिकॉज उसके अंदर वो कॉर्न स्पिन सैंडविच इज यम ये या चलो पढ़ते हैं ऑन जुलाई वन द रुपी ब्रिज द सेवेंटी नाइन पर डॉलर मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम अवर द डोमेस्टिक करंसीज और हमारे जो रुपया है रुपी है वो बहुत ही नीचे जा रहा है यू एस डॉलर से अगर कंपेयर करें ठीक है ना तो इसके अंदर इट स्लिप्ड पॉइंट सेवन परसेंट अगेंस्ट द डॉलर वेल द रुपी हैज़ फार्ट बेटर दैन अदर इमर्जिंग अब वो कहते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और ये सबको जो हो रहा है बेसिकली इसकी वजह से रुपी नीचे जा रहा है बट फिर भी जो दूसरी इमर्जिंग मार्केट हैं जैसे थाई भाट इन सबसे ही अच्छा यू नो फिलिपिन्स का पैसो है ठीक है चाइनी चिलियन पेसो इन सबसे अच्छा कर रहा है जो बट जो ब्रिक्स ब्रिक्स नेशन है ब्रिक्स कौन से हमारे जिसके अंदर कौन कौन से आ, ब्रिक्स नेशन जो है हमारे उसके अंदर ये जो है मतलब वो कर रहे हैं मतलब उससे तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है ना तो ब्रिक्स की मुझे बता दो कि फॉर्म क्या है हाँ अजय सिंह है अब यहाँ पे यहाँ से मेरे को एडिटोरियल चूज़ करना है तुम लोगों के लिए hmm. ये वाला हमने पढ़ा हुआ है चलो डिसऑर्डरली करते हैं बिकॉज इन चारों में से बाकी मोस्टली हमने करे हुए हैं अब यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है बोरिस जॉनसन से रिलेटेड ठीक है बोरिस जॉनसन से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर अ लीडर हु लेड टू For a leader who led uh, the uh, Conservative Party to an 80-seat majority three years ago with Thatcher-like Thatcher charisma, Boris Johnson's fall from grace was a, was so steep that a. होस्ट ऑफ़ हिज मिनिस्टर्स including दोज अब ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमें ये याद रखना है बोरिस जॉनसन जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर था ठीक है नंबर वन नंबर टू इससे पहले ईयर्स विद मतलब अच्छी थ्री ईयर्स पहले ये पावर के अंदर आए थे एट्टी टू एंड एट्टी सीट मेजॉरिटी के अंदर आए थे ये नंबर याद कर लो उसके बाद इनके जो मिनिस्टर्स अब यहाँ पर क्या हुआ जब इनके जब इनका थोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला सीन जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था उसके बाद क्या हुआ एंड ये भी याद कर लो ही वॉज़ अ जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन था ये नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या थे पहले जर्नलिस्ट से ये पॉलिटिशियन uh, बने तो बेसिकली वो मिनिस्टर्स जिन्होंने सबसे पहले रिज़ाइन किया एक तो हेल्थ मिनिस्टर ठीक है चांसलर ऋषि सुनाक ठीक है जो कि हेल्थ से एंड से चांसलर ऋषि सुनाक ने यू नो एग्जिट किया और हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद ने यू नो एग्जिट किया अ, इनकी गवर्नमेंट से और क्राइस पिंचर जो कि डेप्यूटी चीफ विप थे उनके अगेंस्ट सेक्सुअल असल्ट के एलिगेशन थी तो ये हमने पहले ही नोट कर लिया है पार्टी गेट स्कैंडल वो कोविड इसका भी नाम नोट कर लो कि पार्टी गेट स्कैंडल किसको बोला यूके के अंदर जो कोविड के अंदर पार्टीज़ हुई पार्टी कोविड के अंदर जो पार्टीज हुई उसको बोला गया ठीक है यस ब्रिक्स ब्राज़ील इंडिया रशिया चाइना साउथ अफ्रीका ओके तो यहाँ पर ये है और इन्फॉर्मेशन क्या ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से 2019 तो यहाँ पे उनका बताया हुआ है कि उनके टेन के अंदर जब 2019 में वो पावर में आए जॉर्ज बॉन्सन तो उसके बाद जो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था वो कह रहे थे कि जो हम ई से एग्ज़िट कर रहे हैं वो एक बहुत ही सटल एग्जिट होगा सटल का मतलब बहुत ही अच्छे से मैं एग्ज़िट करवाऊँगा बट वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए ठीक है वो कहते बहुत ही पेनफुल सेपरेशन थी क्योटिक थी क्योस था पूरा ठीक है उसके बाद उनका सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड का प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल सबको पता है समझा दूं। नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है नॉर्दर्न आयरलैंड का इशू यह है कि अब कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम यूके का ही पार्ट हैं और कुछ कहते हैं कि हम यूके का पार्ट नहीं है ब्रिटेन का पार्ट नहीं है ठीक है ना तो जब ईयू को छोड़ा तो जब ईयू का पार्ट था ब्रिटेन ये सब कुछ ईयू का पार्ट था तो ईयू के अंदर अगर कोई ट्रक आता था फूड का कुछ भी अगर फूड आता था तो उसके कुछ नॉर्म्स थे एंड रूल नॉर्म्स मतलब रूल्स थे और उसकी चेकिंग होती थी कि वो फूड ठीक है नहीं है अब क्या हुआ यू हो गया अलग ठीक है अब यू अलग हो गया तो वो कह रहे हैं कि जो नॉर्थ आयरलैंड है जो कि यू का पार्ट माना ही जाता है अभी तक तो ईयू कह रहा है कि अब अगर यूके को नॉर्थ आयरलैंड में कुछ भी फूड म, फूड का प्रोडक्ट भेजना है तो वो उसकी चेकिंग होगी कि वो ठीक है या नहीं तो यूके तो मेरा ही पार्ट है तो मैं क्यों चेकिंग होने दू? मेरे मेरा बिजनेस का बहुत लॉस होता है बिकॉज उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं और ये सब कुछ तो ये हो रहा है तो जो बोरिस uh, जॉनसन अपना एक रूल लेकर आए थे एक लॉ लेकर आए थे जिसमें वो कह रहे थे जो गुड्स तो नॉर्थ आयरलैंड के लिए बने उसमें चेकिंग नहीं होगी बट अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो नॉर्थ आयरलैंड से होके ईयू में जाने वाले हैं उनकी चेकिंग होगी ठीक है ना तो ये नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल था अब इनके रहते हुए एक स्कॉटलैंड इशू भी आया स्कॉटलैंड कहता कि भाई मैं रिफ्रेंडम करूंगा रिफ्रेंडम मतलब डिफरेंटा मतलब मैं अपने लोगों से पूछूंगा क्या तुम यूके का पार्ट ब्रिटेन का पार्ट रहना चाहते हो या इससे अलग होना चाहते हो वो ये क्यों कह रहे हैं बिकॉज स्कॉटलैंड वाले कहते हैं कि हम कभी भी यू से अलग नहीं होना चाहते थे हमारी मेजॉरिटी ऑफ लोग ये चाहते थे कि यू का पार्ट ही रहे हम लोग यूरोपियन यूनियन का तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया कि स्कॉटलैंड अलग, अलग होना चाहता है फिर इलेवन अब यहाँ पर क्या हुआ हाईएसट इन इन्फ्लेशन हो गई नाइन प्लीज़ ये नोट कर लो फोर्टी ईयर हाई पे इनकी इन्फ्लेशन चली ब्रिटेन वालों की ठीक है ना विच अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड कोड डिट इलेवन परसेंटर सम इकोनॉमिक प्रिडिक्ट रिसेशन वो कहने की इनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऐसा भी हो सकता है ठीक है ना और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो पी वहाँ के पीस को थ्रेट है तो नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत ज्यादा इशूज हैं इनके प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के तो वो भी एक इशू है अब इसके अंदर और क्या पढ़ना है जस्ट फाइन तो हमने इन्वायरमेंट लॉज पढ़े थे वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट लॉज के अंदर इंडिया ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है जहाँ पे इंप्रजनमेंट नहीं होगा बल्कि फाइन जो होगा वो बहुत बहुत मतलब मोटा फाइन लगाया जाएगा तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टास्क विद सेफ्ट गार्डिंग इंडिया फॉरेस्ट एंड एच इन्वायरमेंटल एस एच प्रोपोज टू अमेंड सेक्शन्स ऑफ की इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड मेक दैम लेस थ्रेटनिंग टू पोटेंशियल वायलेटर्स तो क्या करने वाले हैं कि वहाँ पर इंस्टेड ऑफ़ कि उनको जेल में भेजें उनको क्या पनिशमेंट देंगे उनके ऊपर बहुत ही हेफ्टी फाइंस लगाएंगे क्या लगाएंगे बहुत हेफ्टी फाइन्स लगाएंगे ठीक है ना तो ये बोला है उन्होंने अभी ये चेंज आया नहीं है बट सोच रहे हैं लेकर आने के अब जो मेरे स्लॉट और एस वाले बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना है उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये दिमाग में रखना कि ऐसा सा कुछ हो रहा है अंडर प्रोविजन इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन तो अभी जो लॉ है वो क्या कहता है वायलेटर्स आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू फाइव ईयर्स और विद फाइन अप टू वन लाख रुपीज़ और बोथ तो अभी ये है तो ये नोट कर सकते हो वे वायलेश कॉन्टिन्यू अगर मतलब मान लो किसी ने कुछ किसी को बोल दिया गया है कि जो तुम्हारा पानी है वो सही नहीं है जो तुम्हारा फैक्ट्री में से वाटर निकल रहा है वो कंटेमिनेटेड है इसके अंदर कुछ पॉल्यूशन है ये वाटर पॉल्यूशन कर रहा है इसको ठीक करो अगर वो नहीं ठीक करता है एक पर्टिकुलर डेट तक तो कॉन्टीन्यूइंग फाइन जो पर डे का लगेगा वो फाइव थाउजेंड लगेगा अभी जो है वो ये रूल है ठीक है ना वो कह रहे हैं कि सिंपल वायलेशन फियर ऑफ इम्प्रेजनमेंट फॉर सिंपल वायलेशन जो सिंपल वायलेशन है उसके लिए इम्प्रेजनमेंट का फियर इंस्टेड होने के बजाय क्या होना चाहिए हेफ्टी फाइन्स लगाने चाहिए पढ़ लेते हैं एंड देयरफॉर हैव सच वायलेशंस इनवाइट ओनली फॉर मॉनेटरी फाइनस मॉनेटरी मतलब पैसा हावोर सीरियस envi environmental क्राइम्स that cause ग्रेव इंजरी और डेथ वुड invite imprisonment under the इंडियन Penal कोर्ट ठीक है दीज अब वो कहते हैं कि जो तो सिंपल वायलेशन हैं ठीक है छोटी छोटी वायलेशन हैं उनके लिए मॉनिटरी फाइन्स होंगे उनके लिए पैसा देना पड़ेगा बट जो सीरियस वायल्लेशन है सीरियस ऑफेंसेज है उनके लिए अभी भी जेल के अंदर ही भेजा जाएगा ठीक okay, है ना तो इसके लिए क्या अपॉइंट करा जाएगा एजुटकेशन ऑफिसर या एजुटिकेशन ऑफिसर क्या करेगा इंपॉर्टेंट है ठीक है एजुटिकेशन ऑफिसर क्या करेगा डिसाइड करेगा एंड ट्रांसफर टू और एक फंड क्रिएट कर जाएगा वो कौन सा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड नॉट इनवाटल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड ठीक है मोर ओवर द क्वांटम ऑफ पोटेंशियल फाइन्स है वन लाख से फाइव करोड़ तक के फाइन्स जो होंगे वो हो सकते हैं दीज प्रोविजन आर नॉट येट लॉ बट पब्लिक डोमेन ने इससे ओपिनियन मांगी गई है इससे द क्वेश्चन ऑफ वेदर द थ्रेट ऑफ इंप्रेजमेंट एक्स एज अ डेटोरेंट डेटोरेंट का मतलब डिस्करेज करता है अ थिंग दैट डिस्करेजेस और इज इंटेंटेड टू डिसकेज डिसकरेजेस और हाँ डिस्करेज करने के लिए कि मत करो मतलब एक डर पैदा करता है लॉ है ना जैसे अब तुम हो तुम किसी से क्यों नहीं लड़ते हो ठीक है तुम्हारा बहुत मन कर रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी जो है वो तुम्हें बहुत दुखी कर रहा है पर तुम क्यों नहीं उसको मारते हो क्योंकि तुम्हें पता है पुलिस उठा के ले जाएगी ठीक है ना तभी ना तो डर है डेटरेंट है वो डिस्करेज करता है हमें ठीक है लॉन्ग हिस्ट्री वो कहते हैं विद बहुत प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स सो प्रपोज अब ये कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बहुत सही आइडिया है कि यू नो मॉनिटरी फाइंस लगाओ हेफ्टी फाइंस लगाओ इससे लोगों को डर लगेगा और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जेल का डर ही सबसे बड़ा डर है तो दोनों टाइप के लोग हैं ठीक है नॉट कवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वायलेट तो ये तो अभी भी मतलब वायलेशन uh, uh, जो हैं इसके अंदर अभी भी आपको ये बड़े क्राइम ही माने जाएंगे और इसके अंदर अभी भी जेल ही होगा ठीक okay, है उसके अंदर ये बोल रहे हैं यूरोप सुजेस्ट दैट फाइंडिंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ़ पनिशमेंट एनालसिस बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट अब वो ये इंपॉर्टेंट है ठीक okay, है वो कह रहे हैं कि जो एक एनालिसिस हुआ है उसके अंदर पाया गया कि नाइन टू थर्टी थ्री ईयर्स लग जाते हैं इन्वायरमेंटल वायल्लेशन वाले केसेस को डिसाइड होने में ठीक okay, है ना तो ये वाली चीज़ बात करिएगा द Threat of imprisonment might have acted as deterrent in India, where the effectiveness of environment regulations is under par. Justice for environmental crimes must be dispensed quickly and equitably before tinkering with the law to make. इट फॉ फॉर बॉडिंग तो ये क्या कह रहे हैं ये इनकी ओपिनियन है ये क्या कहते हैं कि भैया तुम ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो तुम अगर तुम्हें क्या करना चाहिए यू शुड मेक श्योर कि जल्दी जल्दी जो इन्वायरमेंट केसेज हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेज हैं उन पर डिसीजन जल्दी जल्दी है इंस्टेड ऑफ कि तुम मे फाइन्स लगाओ ये उनकी ओपिनियन है तुम्हारी ओपिनियन खुद की होनी चाहिए अब जितने भी क्लाट वाले बच्चे हैं वो ये वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे बिकॉज इसके अंदर आर सी टाइप वाइब आ रही है ठीक है ना तो ये पढ़ लो यार ये ज़रूरी है एंड इसके अंदर हम कुछ ना कुछ सीरीज लेकर आएंगे जिसमें पढ़ लेंगे हम ये ठीक है तो ये खुद से पढ़ लेना मैं न्यूज़पेपर टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगी एग्जाम के अब यहाँ पे ये पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑर्धर है ना वो कह रहा है कि देखो नो डाउट यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई बट नाटो भी इसमें कुछ कम नहीं है नाटो ने भी पूरा पूरा साथ दिया है कि ऐसी सिचुएशन ला कर खड़ी कर दी कि रशिया के पास और कई ऑप्शन नहीं था बाई टू थाउजेंड फाइव फॉर्मर ईस्ट यूरोपियन एंड बाल्टिक स्टेट्स हैड ज्वाइन नाटो तो ये इंपॉर्टेंट है कि इलेवन टू तक ये सिचुएशन थी नाटो की एड्रेसिंग द म्यूचुअल म्यूनिट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन टू थाउजेंड फाइव रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुटिन डिस्क्राइब नाटो

नाटो समिट एट द नाटो सम्मिट इन अर्ली टू थाउजेंड एट द यूनाइटेड स्टेट्स पुस्ड फॉर ओपनिंग मेम्बरशिप फॉर यूक्रेन एंड जॉर्जिया फ्रांस एंड जर्मनी सेंसिटिव टू रशियन कंसर्न सक्सेसफुल ब्लॉक द टाइम फ्रेम फॉर इंप्लीमेंटेशन तो यहाँ पर क्या था वो कहते फ्रांस और जर्मनी जो थे उन्होंने बोला यू एस ए को कि तुम टिक जाओ मत करो बट वो तो तभी यूक्रेन और जॉर्जिया को मेम्बर बना रहे थे कब टू थाउजेंड एट के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है उसके बाद एज अ कॉम्प्रोमाइज़ इट वॉज द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इट कन्विंस रशिया ऑफ नाटोज हॉस्टिलिटी एंड डैंगल प्रोस्पेक्ट्स फॉर जॉर्जिया एंड यूक्रेन दैट नाटो कुड नॉट फुलफिल तो क्या हुआ वो कहते हैं कि इन्होंने मतलब इसकी वजह से भी तब भी अराउंड ट्वेंटी फोर्टीन के अंदर यूक्रेन ने क्रीमिया को जो था वो घसीट लिया अपने पास फॉलोइंग द यूरोमेडन प्रोटेस्ट इन कीव अगेंस्ट प्रेजिडेंट विक्टर यानुकोविच हु प्रो रशियन रशिया एनेक्स क्रीमिया ठीक है ना तो 2014 में क्रिमिया ले, ले लिया इन्होंने उसके बाद पोस्ट 2014 नाटो कंटिन्यू टू स्ट्रेंदन इस रिलेशनशिप विद यूक्रेन बाय प्रोवाइडिंग इट ट्रेनिंग इक्विपमेंट फॉर्मलाइजिंग इट इन 2020 ट्वेंटी बाय मेकिंग यूक्रेन और नाटो इन्हांस अपॉर्चुनिटी पार्टनर तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ट्वेंटी में क्या किया इसको नाटो इन्हेंस अपॉर्चुनिटी पार्टनर बनाते हैं इंपॉर्टेंट है ये नोट करो ठीक है द प्रेजेंस ऑफ वॉर फ्रॉम ब्रिटेन एंड यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स बिगैन टू इंक्रीज इन ब्लैक सी तो ये भी हुआ इन ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम एंटर इन अ अपरेशन अग्रीमेंट विद यूक्रेन टू डेवलप टू न्यू नेवल पोर्ट्स और ओचार्केव ऑन द ब्लैक सी तो ये भी इंपॉर्टेंट है 2019 में क्या क्या है यू यू एंटर हुआ है अग्रीमेंट में कि हम दो नेवी के पोर्ट्स बनाएंगे एक तो ओचारकेव पे इसका नाम नोट कर लो इन द ब्लैक सी और कहाँ पर एंड बर्डियास्क ऑन द सी ऑफ अ मूव दैट रशिया सॉ पोटेंशली पोटेंशली थ्रेटनिंग तो क्या हुआ यहाँ पे जो ऑलजर है वो ये कह रहे हैं कि देखो रशिया ने तो जो किया वो किया बट कहीं ना कहीं जो यू uh, नो you know, जो नाटो है वो भी नहीं रुकी इन सब चीज़ों से तो दैट इज़ वॉट ही इज सेंग एंड इसके अंदर एक और चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि रशिया को अगेन दिस इज़ एन ओपिनियन जो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन की है वो कह रहे हैं कि रशिया को लगा था कि जो वॉर है वो बहुत कम टाइम के लिए चलेगी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी बट नाटो भी एक साथ आया है बहुत एक अच्छे से एकजुट हुआ है ठीक है ना तो द वर्ड दैट ही हैज़ यूज फॉर नाटो इज़ कोहेशन कोहेशन ठीक है ना द एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल तो वो कहता है कि नाटो ने एक कोहेशन एक ग्रुप एक मतलब अच्छे से साथ दिया है यूक्रेन का और यूक्रेन के जो लोग हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रिट है इज द प्रिजर्वेंस एंड पैशन टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ठीक है ग्रिट जो तुम लोगों में होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ग्रिट किस चीज़ के लिए तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ठीक है तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन में भी आते हैं और आपके दूसरे सेक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं वर्ड मीनिंग्स तो लिखा करो अब बात करते हैं एल जी क्यू कम्यूनिटी की तो उसके अंदर प्राइड मंथ था जून के अंदर तो ये पता होना चाहिए कि जून का जो मंथ है वो इनका प्राइड मंथ सेलिब्रेट करते हैं लोग तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि एक तो ये ख़ुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा कर पाते खुद ही पहले एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये कम्यूनिटी एल जी को बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड से थोड़े अलग है और लोग

ने इस बार कहा कि इनकी जो राइट्स है वो दी जाए इन लोगों को एलबीजीटीक्यू कम्युनिटी को बट अभी भी बहुत यू you नो know, आगे जाने की जरूरत है तो ये बोला इन्होंने ठीक है इसमें क्लियर है जो क्लाट वाले बच्चे हैं वो पूरा पढ़ लेंगे बाकी किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं तुम बस याद रखो कि कब है प्राइड मंथ ठीक है उसके बाद आगे करते हैं शुद्ध ए टी पी एंड डब्ल्यू टी ए मॉज तो ए टी पी और डब्ल्यू टी ए है क्या जो वर्ल्ड रैंकिंग्स टेनिस के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग्स निकालते हैं ना ये वो अथॉरिटीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन है ए टी पी जो है वो मेन के लिए है और जो वुमेन के लिए है वो डब्ल्यू टी ए क्लियर है इतनी बात अब यहाँ पे जो रॉगर फेडरर हैं उन्होंने एक बात बोली कि आपको कुछ आपको ये दोनों जो है ना ये दोनों ए टी और डब्ल्यू जो है इनको मर्ज कर देना चाहिए जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं ये मर्ज होना चाहिए तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बिली जीन किंग फाउंडेड द डब्ल्यू टी ये इंपॉर्टेंट है आफ्टर फेलिंग टू पर्जुएट द मेन टू क्रिएट अ जॉइंट वेंचर तो क्या हुआ बिली जीन किंग जो थे उन्होंने अलग से नाइनटीन में वुमेन के लिए डब्ल्यू बनाया था क्योंकि जो मेन वाले जो ए थी वो कहती हम नहीं इंक्लूड करेंगे नियरली फाइव डिकेज ऑन ये वाला जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद किसने बोला है कि दोनों को एकजुट एक साथ कर दो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है कांग्या रॉगर फेडरल ठीक है ना और इनके फुल फॉर्म के एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ठीक है ये दोनों हैं और उसके बाद यहाँ पे और इट डजन नेसेसरी मीन मोर्जर ठीक है ना तो ये कहा जा रहा है ये बस पॉइंट पता होना चाहिए आपको ए टी पी और डब्ल्यू टी अभी न्यूज़ में क्यों आए थे कोई मुझे बता सकता है ये न्यूज़ के अंदर इसलिए आए थे बिकॉज इन्होंने विम्बल्डन में आ, बेलारूस और जो रशियन रशिया के प्लेयर्स हैं विम्बलडन वालों ने खेलने नहीं दिया उनको और डब्ल्यू और ए ने कहा कि हम जो विम्बल्डन में अगर कोई जीतेगा कोई हारेगा को विन और लूज का जो भी रैंकिंग होगी वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे मतलब अगर कोई जीत जाता है तो जो उसके प्लस होना है रैंकिंग में वो नहीं होगा जो हार जाता है उसके माइनस होना है वो नहीं होगा क्लियर है जो डिफेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो अग्निपथ की जो स्कीम है उसके बारे में पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑन डिफेंस ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ अग्निपथ ये जो है उनको ब्रीफ करेंगे ये अभी बस हमें पता होना चाहिए नोट इसमें से कुछ नहीं करना एम पुलिस आस्क ट्विटर टू टेक डाउन पोस्ट ऑन काली तो ये मैंने तो इसके अंदर से ना कुछ नाम जो हैं वो नोट करने बहुत ज़रूरी हैं इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो करो वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ है फिल्म मेकर हैं क्या नाम है लीना मनी में कलाई ठीक है ना मनी में कलाई ठीक है ना जो इन्होंने काली माता से रिलेटेड फ़िल्म पोस्टर निकाला है फिल्म भी बनाई तो फिल्म क्यों बनाई क्योंकि टोरंटो जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो टौर, की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है ठीक है कल हमने पढ़ा था टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने एक आ, प्रोग्राम करना था जिसके अंदर डाइवर्स कल्चर से रिलेटेड उन्होंने फिल्म इकट्ठा करके आ, आगा खान टोरटो के अंदर सिनेमा नहीं है आगा खान वो है थिएटर है वहाँ पर उन्होंने चलाना था ठीक है ना और चलाया भी तो उस उनके पोस्टर पे क्या है जो गॉडेस काली है डिपिक्टिंग द हिंदू गॉडेस एड स्मोकिंग गॉडेस काली स्मोकिंग एंड होल्डिंग एन एल जी बी टी क्यू अज कॉन्ट्रोवर्सी रपटेड ठीक है ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी कौन, है और ये कैनेडा बेस्ड कैनेडियन बेस्ड फिल्म मेकर है इनका नाम नोट कर लो ठीक है ना और इन्होंने ना एक पर्टिकुलर नाम दिया कोई मुझे बता सकता है जिसने वो रील देखी होगी उसको बता होगा उसका क्या नाम है वी वो सेंड फिफ्टी परसेंट ऑफ सेल प्रोसीड्स टू चाइना ठीक <clears throat> है ना ये इम्पोर्टेंट है अब वीवो ने क्या किया वीवो का एक मोबाइल कंपनी है चाइना की विवो वीवो इंडिया रिमिटेड ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ सेल प्रोसीड ओवरसीज मेनली टू चाइना टू रिड्यू रिपोर्ट ह्यूज लॉसेस एंड सेवरल डोमेस्टिकली इनकॉपरेटेड कंपनीज टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेज तो ये सारा का सारा हम नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट है वीवो इंडिया ने ये कार्यक्रम करा है ठीक है अब आगे चलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब यहाँ पे ना बात करी हुई है एक गवर्नमेंट स्कीम की प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ठीक है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है ये नोट करेंगे पी एम स्वनिधि ठीक है स्कीम है ये अब ये क्या स्कीम है बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे कोविड की वजह से इनको क्या दिया गया ये पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ लॉन्च प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी एम स्व फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स ठीक है द स्कीम वुड बेनिफिट वेंडर्स हॉकर्स ठेले वाले पीपल इन्वाल्व इन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू टैक्सेज टेक्सटाइल सॉरी ठीक है तो ये सब है और कोविड की वजह से क्योंकि उनको जो जो लॉस हुआ उसकी वजह से उन्होंने ये स्कीम बेसिकली स्टार्ट करी तो उसमें ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ठीक है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंटेड फॉर ट्वेल्व टू थर्टीन परसेंट ऑफ द Loans dis uh, dispersed to street vendors under पीएम स्वनिधि ठीक थी, है ना स्कीम हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी सेट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लोगे तो स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2020 ट्वेंटी हैज सो फार डिस्पर्स लोन्स ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड ईच टू थर्टी पॉइंट टू थ्री लैख स्ट्रीट वेंडर्स ठीक है बी एम सो फिफ्टी सिक्स लोन्स ऑफ फिफ्टी थाउजेंड हैव बीन डिस्पर्स वाइन लन ऑफ देम हैव बीन रीपेड तो रीपे नहीं करे हुए इन्होंने तो कितना वो फर्स्ट वाला पॉइंटर जो था वही नोट करोगे ठीक है एनी पी विल डेवलप स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट यूथ तो यहाँ पे वाराणसी के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है उसको क्या नाम दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सेट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस्ड ऑन इम्पाव इम्पॉटेंट स्किल टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देर एप्टीट्यूड एंड चॉइस मिस्टर मोदी इनाइगोरेटेड अ थ्री डे अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले एजुकेशन सम्मिट बोला जा रहा था इसको ये एजुकेशन सम्मिट नहीं है इसको एक प्रॉपर नेम दिया हुआ है ठीक है ना तो यह तुम्हें पता होना चाहिए क्या नाम है इसका अखिल भारतीय अखिल हाँ अंडर द टेंट यस अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन वाराणसी इसको नोट कर लो यार कहाँ पर हो रही है इसका पूरा नाम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ बीइंग अटेंडेड बाय ओवर 300 हंड्रेड एडमिशन्स ठीक है ये तो सही है द एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं कि जो ब्रिटेन ने किया है वो हमारे यहाँ पर नहीं लगेगा ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पर वो छोड़ गए थे ठीक है तो ये पॉइंट है और जो अंडर द अंडर द टेंट वाला है वो जो मूवी मतलब बनाई जो कैनेडियन फिल्म मेकर है उसने काली माता पे जो मूवी बनाई है उस प्रोग्राम का नाम जो है वो है अंडर द टेंट जिन बच्चों ने नहीं नोट किया वो नोट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद उड़ीसा जो है वो फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहता है बाई ट्वेंटी तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है कौन सी स्टेट कौन सा एक्ट कब तक तीन क्वेश्चन ठीक है ना सिंपल ये बनता है ये नोट कर लो द उड़ीसा गवर्नमेंट इज चेजिंग एन एम्बिश टारगेट ऑफ Completing uh, implementation of Forest Rights Act by granting all kinds of right mandated under the historic Act by 2024. Together, the state has set a target to convert 587 forest village into revenue village in the targeted time. We are confident enough to launch Mission 2024 for FRA.

ठीक है इट गिव्स एफ डी टी एस टी एंड ओ टी एफ डी द राइट ऑफ ओनरशिप टू लैंड फार्म बाय ट्राइबल्स तो ये फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल्स को ओनरशिप राइट्स मिलेंगे द राइट्स ऑफ द डवेलर्स एक्सटेंड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू रिहेबिलेटिट इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन और फोर्स डिसप्लेसमेंट तो ये ट्राइबल से रिटेड इट इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेक्ट री जनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज तो ये सब कुछ है इस एक्ट के अंदर कहाँ पर लग रहा है ये उड़ीसा के अंदर ठीक है उसके बाद छत्तीसगढ़ अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ गेट्स नॉट फॉर स्कूल प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक अगेन ये हमारा टाइटल में से ही क्वेश्चन बनता है कौन से इंस्टीट्यूट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दिया है कौन सी स्टेट को लोन दिया है किसके लिए दिया है एजुकेशन स्कूल प्रोजेक्ट फंड के लिए दिया स्कूल प्रोजेक्ट फंड के लिए ठीक है ना आप इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड एंड इन प्रिंसिपल नॉट फ्रॉम द सेंटर तो प्रिंसि सेंटर से नॉट मिल गया टू गो हैड विद द डॉलर थ्री हंड्रेड मिलियन स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट द स्टेट इज़ नेगोशियेटिंग विद द वर्ल्ड बैंक तो अब इसके अंदर जो चौथा पॉइंट आपका बनेगा ना जो टाइटल के अलावा है वो है कितने का प्रोजेक्ट कितने पैसे मिल सकते हैं डॉलर थ्री हंड्रेड मिलियन ठीक है ना और सेंट्रल का सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है ठीक है अब इसके अंदर और क्या है कन्फर्मिंग प्लानिंग एंड ऑफ़ पॉइंट्स प्रोग्राम ठीक है इसका क्या नाम है ट्वेंटी पॉइंट्स प्रोग्राम ठीक है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं खत्म होता है ये नाम है इसका नोट कर लो इंपॉर्टेंट है ये इफ़ इट गोज थ्रू द इनिशियटिवल अलाउ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू बो डॉलर थ्री मिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है At significantly lower than market rates and repay it over a period of 20 years. Ye bhi note kar lo, the pool resources will be a shot in the arm of Bupesh bhagyal led gov uh, Congress government, which has education as one of its key planks. Hai, this is not the final approval of The World Bank has been associated with India's school education system since 1994, according to its website. One of the more recent projects linked in 2021 is $500 million, strengthening teaching, learning

ऑफ जॉनसन तो जॉनसन के बारे में मैंने कहा था ना ब्रिट बॉस जॉनसन के बारे में बहुत सारी बातें करी हुई हैं मुझे सिर्फ सेवन टू एट मिनट्स आपके और चाहिए होंगे आई नो क्लास का टाइम हो गया बट द लक ऑफ अ मैन वंस लाइकेंड टू अ ग्रीस्ड पिगलेट पिगलेट क्या होता है पिग का छोटा बच्चा ठीक है ना पिग ग्रीस पिगलेट वो कहते हैं कि ऐसा जैसे पिग के ऊपर एक पिग लिया उसके ऊपर ग्रीस लगा दी ग्रीस होती है वो काली काली ठीक है ना वो लगा दी और उसको छोड़ दिया फ्री ठीक है ना अ स्मॉल पिक्स मेड विद ग्रीस एंड सेट फ्री फॉर कंटेस्टेंट्स टू कैच तो इसकी तो वो वाली हालत हो गई है ठीक है ना ग्रीस पे मैन वंस लाइक बट द लक ऑफ अ मैन वंस टू अ ग्रीस पिक लेट फॉर हिज अबिलिटी टू एस्केप कॉन्ट्रोवर्सी फाइनली रैन आउट आफ्टर अ स्ल्यू ऑफ हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन और रेजिगनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया किस किस ने रिज़ाइन किया ठीक है उसके बाद ये देखिए ऋषि सुनाक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और साजिद जावेद जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया और क्रिस पिंचर वो हैं जिनके अगेंस्ट सेक्चुअल असल्ट के एलिगेशन हैं सेक्चुअल वो हैं ठीक है ना हैं उनके अगेंस्ट कि इन्होंने कुछ क्या है गलत तो अब ये क्या कह रहे हैं टोरी पार्लियामेंटेरियन मेजॉरिटी सिंस द मार्गरेट थेचर इन द नाइन्टीन एटीज़ ठीक है ना विनिंग द बिगेस्ट स्टोरी तो ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब इन्होंने जो कॉन्जरवेटिव सपोर्टर या कॉन्जरवेटिव उसके पार्ट हैं पार्टी के तो बिगेस्ट मेजॉरिटी लेकर आए थे ये ठीक है ना तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके बाद बट ही हैज़ फेस क्रिटिसिज्म ठीक है कोरोना वायरस में जो पार्टी करी ठीक okay, है उसके बाद गॉड फादर स्टार जेम्स कैन डाइज तो ये भी नोट कर लो तालिबान अब यहाँ पे ये तालिबान के जो फाउंडर थे ठीक है ना उनकी एक कार्डी थी तो ये इम्पोर्टेंट है तालिबान फाउंडर कौन थे मुल्ला उमर उमर ठीक है ना ये नोट कर लो फाउंडर कौन है तालिबान के तो क्या हुआ ये टू एस्केप बीइंग टारगेटेड बाय द यूएस फोर्सेस आफ्टर द नाइन एलेवन अटैक्स हैज़ बीन एक्सकवेटेड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान वेयर इट ले बरेड फॉर मोर देन टू डेकेज तो इन्होंने गाड़ी संभाल के रखी थी अपने फाउंडर की अब ये ना किसी म्यूजियम कहीं लगाएंगे इसको थी ठीक करके द तालिबान वॉन्ट द कार टू बी डिस्प्लेड इन द कैपिटल्स नेशनल म्यूजियम एज ग्रेट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ठीक है टोयटा की गाड़ी है ये चल भी जाएगी टोयटा तो बहुत ही अच्छी गाड़ी बन जाती है ना चलो अब इसमें आगे देखते हैं एम्प्लॉय जी एस एम्प्लॉय पर्क फ्री फ्रॉम जी ये बस इतने टाइटल ही याद रखना है क्यों नहीं लोड हो रहा है ये इसको क्या पड़ गया है यहाँ पर अब इंडिया ने इंडियन वुमेन टीम जो है श्रीलंका से क्लू लेस रन ओ, विक्ट्री ओवर अ लेस ऑफ श्रीलंका इन फाइनल ओडिया है ठीक है यहाँ पे कोई वर्ल्ड कप नहीं था सानिया मिर्ज़ा बिड बाय बाय टू विम्बिलडन ठीक है अब यहां पर टेनिस को नहीं बाय बोला अभी अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बॉयड बाय अ लाइन बॉय बॉय कीप समवन और समथिंग ऑफ़ फ्लोट ठीक है ना बॉयड बाय अ लाइन ऑफ मेनी स्पॉन्सर्स सपोर्टिंग द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन बर्मिंगम बर्मिंगम ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना जो जो बच्चे इस साल दे रहे हैं अगले साल दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कॉमनवेल्थ गेम्स हो कहाँ पे रहे है कॉमनवेल्थ गेम्स बताए कौन कौन सी हैं इसके अंदर वो वो कंट्रीज आती हैं जो सारी की सारी ना ब्रिटेन के अंडर कभी यूके के अंडर कभी हुआ करती थी उनकी कॉलोनीज थी वो वाली कंट्रीज जो हैं उनको कॉमनवेल्थ कहते हैं और वो इन गेम्स में आती हैं इस बार कहाँ पर हो रही हैं बर्मिंगम में हो रही हैं ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंट है उसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे अब नहीं यहाँ पे अवार्ड अनाउंस हुआ है द इंडियन ओलंपिक सॉरी हैज़ अनाउंसड अ प्राइज ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी लाख फॉर एवरी गोल्ड मेडल विनर तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट तो ये है दूसरा पॉइंट ये है उसके बाद यहाँ पे आई के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता हैं ये थर्ड पॉइंट है सिल्वर वाले को कितने पैसे मिलेंगे टेन लाख और ब्रॉन्ज को सेवन पॉइंट फाइव लैक्स फोर उसके बाद इन अब लास्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था कामनवेल्थ गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था ठीक है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया हैज़ वन सिक्सटी ये भी इंपॉर्टेंट है सिक्सटी सिक्स मेडल्स इंक्लूडिंग ट्वेंटी सिक्स गोल्ड जीते थे एडिडास जो है वो जूते प्रोवाइड करेगा विल प्रोवाइड इट्स लेटेस्ट सुपरनोवा शूज़ एज़ द परफॉर्मेंस फुटवेयर पार्टनर फॉर तो एडिडास क्या प्रोवाइड करेगा अपने सुपरनोवा शूज़ पर मान, मान्यवर वो जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाली जो कंपनी है जो एड करती है वो सेरेमोनियल किट प्रोवाइड करेंगे तब थोड़ा अच्छा शादी वादी टाइप्स तैयार होना पड़ता हर्बल लाइफ जो है वो न्यूट्रिशन पार्टनर है ये दिमाग में रख लो बस तो आईओएसिन आईओ ए ने और भी बहुत सारे बुलाए अमूल अदानी इनको कहा है कि चलो हमारे कंट्रीज को सपोर्ट करो स्पोर्ट्स के लिए आई के एक्टिंग प्रेसिडेंट देखो यहाँ पे एक्टिंग लिखा हुआ है अनिल खन्ना है ये भी नोट कर लो इवन दो शूटिंग अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है कि जो शूटिंग है वो नहीं इंक्लूड करिए शूटिंग जो गेम होती है ना जिसमें अभिनव बिंद्रा गोल्ड लेकर आए थे ओलंपिक्स में वो इंक्लूड नहीं करिए पता नहीं क्यों नहीं करिए द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स टी क्रिकेट कॉमनवेल्थ के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट है विद द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एशियन गेम्स एशियन गेम्स चाइना में होनी थी अब पोस्टपोन कर दिए हैज ऑप्टेड टू यूटिलाइज द टाइम टू होल्ड नेशनल गेम्स इन गुजरात तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि नेशनल

अब यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं मोहन बगन रत्ना फ़ॉर श्यामा शाम थापा मोहन बगन रत्ना क्या क्या किसको मिला है शाम थापा को फॉर शाम थापा फॉर्मर इंडियन फॉरवर्ड शाम थापा वाज ऑन थर्सडे च्रोजन फॉर मोहन भागन रत्ना द क्लब्स हाईएस्ट ऑनर विच ही वुड रिसीव ऑन इट्स फाउंडेशन सेरेमनी ऑन जुलाई ट्वेंटी ठीक है ना इस बाईसाइकिल के एक बार थापा ठीक है ये सारा जो है ये मिलेगा उनको ठीक है अब उसके बाद और क्या है थापा वॉज द चेयरमैन ओके फॉर्मर गोल कीपर बलाई दे विल बी कॉन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट द कप क्लब स्टेटेड द सेरेमनी वॉज हेल्ड वर्चुअली लास्ट टू ईयर्स बिकॉज ऑफ पैंडमिक ठीक है लास्ट टू ईर्स सेरेमनी कैसे हो रही थी वर्चुअल तो ये सारे अवार्ड्स मिले ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं अगेन ठीक है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पर हिट कर देना लाइक कर देना वीडियो को कामेंट कर देना ठीक है ना ये सब कुछ कर देना और बस बढ़िया है कल मिलेंगे छः बजे के अराउंड ठीक है और मैंने तो मैंने नौ मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं चार मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई थी इनऑल पाँच मिनट ही एक्स्ट्रा लिए हैं ठीक है थेके? और कल से हम ट्राई करेंगे क्लास टाइम पर स्टार्ट करने की ठीक है चलो बाय योर वेलकम जेवियर योर वेलकम वैष्णवी शीतल कौन कौन नोट्स बना रहे हैं यार नोट्स कौन कौन बना रहे चलो अब तुम बातें कर ही रहे हो तो नोट्स कौन कौन बना रहे कौन कौन सा बच्चा नोट्स बना रहा है नोट्स कौन कौन बना रहा है हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो बना रहे हो नहीं बना रहे हो यो वेलकम बेटा योर वेलकम 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 बाय 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 आज मेरा गला रह गया बोल बोलकर रंजे रंजे बना रहे हो रंजे राज वेरी गुड अपने चलो अभी तो मंडे को ना मंडे थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम होता है मंडे को ना अपने नोट्स भेजना जो मंडे की क्लास के नोट्स बनाओगे ना वो इंस्टाग्राम पे भेजना ठीक है फिर देखेंगे किसके सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे तो उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगी दिस दिस एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली फॉर फ्री फॉर मैकेट जो मेरी क्लास लगा रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नोट्स के अंदर हमें बताओ कैसे करना है ठीक है तो वो मैं बताऊँगी तो अपने नोट्स शेयर करना ठीक है ओके आई एम एग्जाम पे पर इंस्टाग्राम पर शेयर करना ठीक है अभी आज नहीं मंडे को आज तो अभी आपका और मतलब मैं थोड़ी बिजी हूँ तो मंडे को करना ओके okay? बाय